नमस्कार, मैं दीपिका मिश्रा आप सभी लोगों का बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास सिक्स का पार्ट फोर वायु और जीवन इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे भारत में दिन प्रतिदिन देखा जाए तो प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। अगर यह समस्या ऐसे ही इसी प्रकार बढ़ती रही तो आने वाले भविष्य में बहुत सारी विषम स्थिति उत्पन्न हो जाएंगी। तो इन्हीं से सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इन सारे विषय पर इस पाठ में चर्चा की गई है। वायु को हम प्राण भी कह सकते हैं क्योंकि वायु ही जीवन है। जो हम ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर हम लोग मनुष्य जीव जंतु इसीलिए निवास करते हैं क्योंकि यहाँ पर वायु है। अगर हमें खाना ना मिले, पानी ना मिले तो शायद से हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर हमें वायु ना मिले तो शायद से हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम नहीं जी पाएंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब जब हम सांस लेते हैं तो हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह क्रिया देखा जाए तो दिन रात पूरे टाइम निरंतर बिना रुके लगातार चलती रहती है। हमें स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। शुद्ध वायु क्या करती है? हमारी रक्त की सफाई करती है और हमारे शारीरिक वृद्धि में भी सहायता करती है और विभिन्न प्रकार के जो विषाणु जीवाणु होते हैं उनसे लड़ने के लिए, हमें रोगों से लड़ने के लिए शक्ति भी प्रदान करती है। अच्छा, मनुष्य ही नहीं, जो हमारे यहाँ अपनी पूरी पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो भी सजीव होते हैं। पेड़ पौधों को भी जिंदा रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है क्योंकि वो भी सांस लेते हैं। वो क्या करते हैं? वो हमारे द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? जड़ के द्वारा शोषित कर ली जाती है और उसमें बहुत सारी क्रियाएं करके पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, और अगर उन्हें भी धूप और हवा ना मिले तो उन्हें भी जीना मुश्किल हो जाएगा और वो भी जीवित नहीं रह पाएंगे। अच्छा, आपने कभी देखा है कि जब हम लोग घर में कभी अंगीठी जलाते हैं तो उसमें कोयला या फिर लकड़ी जलाते हैं तो जैसे वो नहीं जल रही होती तो हम उसको हवा से जब हांक देते हैं तो क्या होता है? वो जलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम हांकते हैं उसको, मतलब हवा करते हैं, तो क्या होता है? उसे ऑक्सीजन मिलती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो जलने में भी सहायक होती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मोमबत्ती लेना है, मोमबत्ती को जलाना है और उसको एक ग्लास से कवर कर देना है, और आपको जब आप उसको एक ग्लास से ढक दोगे तो आप क्या देखोगे? थोड़ी देर तक तो वो जलेगी जब तक तो उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो अपने आप बुझ जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब तक तो उसको ऑक्सीजन मिली तब तक वो जली, लेकिन जैसे उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हुई वो बुझ गई। अच्छा, जब किन्हीं कारणों से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है? बहुत सारी श्वास से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, जैसे दम घुटने लगता है, जी मचलाने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, उल्टियां आदि, ये सारे लक्षण दिखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी विषाक्त गैसें जब वायुमंडल में मिल जाती हैं जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अगर आज के समय में देखें तो वायु प्रदूषण की समस्या ने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है और ये बहुत से कारणों से प्रदूषित होती है। कारखाने का धुआं, उनके अवशिष्ट पदार्थ, स्कूटर, कार, मोटर गाड़ियों आदि का जो उनसे निकलने वाली गैसें हैं, ये सारी चीजें वायुमंडल में जब मिल जाती हैं जिसकी वजह से क्या होता है? जो वायु होती है वो प्रदूषित हो जाती है। अच्छा, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए और हमारा जीवन बचाने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे काम करने होंगे जिससे हम जितना हो सके इस प्रदूषण को रोक सकें। इसमें हम सभी को मिलकर सहयोग देना होगा। आपको पता है ना कि सर भी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। हम लोग देखिए हमेशा पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाते हैं, हम लोग हमेशा ये देखिए स्कूल में कितने सारे काम करते हैं, कितने सारे क्रियाकलाप करते हैं जिसमें हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को अपने आसपास भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे हमें शुद्ध वायु मिलती रहे। और सबसे पहले इस प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो कारखाने हैं उन्हें शहरों से दूर बनाना चाहिए और जो चिमनियां होती हैं उन्हें अधिक ज्यादा ऊंचा बनाना, मतलब अधिक ऊंचा बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा? उनका जो धुआं होगा वो सीधे ऊपर निकल जाए, और जो उनके कारखानों के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें वापस से रिसाइकिल करना चाहिए, उनका मतलब रसायनों द्वारा शुद्ध करके वापस से प्रयोग में लाना चाहिए। जो पेट्रोल और मोबिल ऑयल से चलने वाले जो हमारे वाहन हैं उनकी जगह पर हमें सौर ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा से चलने वाले वाहनों का आविष्कार करना चाहिए और उन्हें प्रयोग में लाना चाहिए।
और हमें सबसे पहले जनसंख्या पर भी नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो क्या हो रहा है, जितने भी हमारे कृषि उद्योग जैसे कृषि है या उसकी जो भूमि है, इन सारी चीजों पर क्या हो रहा है, आवास रहने के लिए इंसान घर बना रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो हमारे का जो पेड़ पौधे हैं वो कम होते जा रहे हैं, वन कम होते जा रहे हैं। और लोग क्या कर रहे हैं, फिर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कारखाने बना रहे हैं, उद्योगों को बढ़ा रहे हैं, इस प्रकार से वे वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। इन सारी चीजों को अच्छा करने के लिए हमें सबसे ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि ये वायु को शुद्ध रखते हैं। और हमें जन जन में यह चेतना जगानी चाहिए, मतलब यह एक मैसेज फैलाना चाहिए, एक संदेश देना चाहिए कि हम पेड़ों को बेरहमी से काटने की बजाय उनका लगाने में और ज्यादा सहयोग दें, उनको लगाने में और सहयोग दें, तभी हमारा और सभी जीव जंतुओं का जीवन संभव हो सकेगा। बेटा एक बार बच्चों एक बार इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद इसके सारे नोट्स स्कूल मित्र ऐप पर अपडेट कर दिए गए हैं, वहां से आप अपनी कॉपी में कॉपी कर लीजिएगा। बुक एक्सरसाइज को बुक में करिएगा, और जीने की राह एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें पढ़िएगा और उनको अपने शब्दों में अपनी कॉपी में लिखिएगा। थैंक यू।